कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का फिर से बहुत 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 स्वागत है बैरागी राइडर में। जय श्री राम छोटो को बड़ो को। तो एक और नई सुबह के साथ में, कल ज़्यादा खराब थी, आप ठीक हो चुकी है ज़्यादा, अब ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी और खांसी रह गई है, कोल्ड थोड़ा सा है और फीवर कुछ है नहीं। तो चलो आज हम लोग निकलते हैं एक और ट्रिप के लिए। तो आज हम लोग जाएंगे पहले 11वीं सरकार लगता थे, फिर बाबा बालनाथ, और उसके बाद हम लोग स्टे करेंगे कोमल की नानी के यहाँ पे। उसके बाद अगले दिन हम लोग कल नैना देवी दर्शन करते हुए और सीधा दिल्ली वरवान आ जाएंगे। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे कोमल की मौसी के यहाँ पे। और जैसे रात को मैंने दिखाया था, आप लोगों को बताया था कि एक गाँव की तरह जैसे होता है ना, पिंडों में माहौल होता है कि पूरा चिंता घर एक साथ है और पूरे घर में ऐसे माहौल। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? हर हर महादेव, ये पूरा का पूरा है और ये गाड़ी में हमारा सामान पैक हो चुका है। और यहाँ पे यह ट्रैक्टर खड़ा होने का, यहाँ ट्रैक्टर खड़ा था रात को। और ये घर, वो एक घर ही है, एक घर ही है। और ये बाबू जी है, इनके दादा है, मतलब कि शेखू के दादा है। और इनकी उम्र है 93। जी हाँ, इनकी उम्र है 93। और देखो खुद ही खाना खा रहे हैं, 93 इयर्स के। ये आज भी ऐसे ही है, चल लेते हैं, फिर लेते हैं, आराम से इधर उधर घूम लेते हैं, खुद खाना खा लेते हैं, दांत भी है, रोटी खा रहे हैं। देख लो नहीं तो आजकल के बूढ़ों के तो दांत गिर जाते हैं। और दलिया, खिचड़ी, पतली पतली सब्जियाँ ऐसे कुछ खाते हैं। और ये देखो अभी भी खाना खा रहे हैं, रोटी मतलब चबा चबा के खा सकते हैं। तो ये होता है गाँव का, जो पोल्यूशन से बचने के बाद, और गाँव का खाना वाना इसी तरीके का होता है, तो उससे आदमी ज़्यादातर जीता है। और ऐसे ही इनकी दादी थी, वो 85 या 86 की होकर ही हुई थी। तो हम तो दुआ करेंगे 100 साल जीती हो पूरे, नया जन्म करके दोबारा से, तो मज़ा आएगा। तो चलो आज दर्शन करते हैं और ट्रिप के मजे लेते हैं। हर माते जय सीताराम। पूछ ही नहीं सकते यार, पूछा मैं, कोई पूछा नहीं, उन्होंने पूछ लो ना, उन्होंने पूछा ही नहीं, मैं पूछ रही हूं, मैं पूछूंगा। चले फाइनली दर्शन हो चुके हैं बाबा अलग दादे दे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 11वीं सरकार पे, पीर निगाह वाले के दर्शन तो हमने कर लिए, 11वीं सरकार पे जा रहे हैं अब। तो आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे, बेहतरीन दर्शन हुए यहाँ पे। बाबा ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया बाबा ने, बिल्कुल अपने पास बुला कर प्यार दिया और बिठा कर प्यार दिया। तो आपने वीडियो देखी होगी कैसे बाबा ने दर्शन, अगर आप लोगों ने दर्शन भी किया है तो बाबा आप लोगों की मनोकामना पूरी करें और मज़ा आप लोग घर बैठ कर ही पीर निगाह वाले के दर्शन करें। और जो कोमल की यहाँ पे जो महफिल थी वो भी पीर निगाह वालों की ही थी, लगदाते लेडीज शाही जी थी। तो चलो मिलते हैं आपको सीधा पीर निगाह 11वीं सरकार पे। और इधर दर्शन करो, इधर पहाड़ी के, ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है बट ठीक है, मज़े है। और ये है पीर निगाह वाले का, और कोमल पता नहीं कहाँ रह गई,
और सामने वो जो बन रहा है उधर वो 11वीं सरकार है, वो वाली 11वीं सरकार है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को आगे। जय सीताराम महाराज माते। लोग आ चुके हैं बाबा बालकनाथ और ये पार्किंग में गाड़ी लगाई, जैसे अपने शिवखोड़ी में लगाते हैं ना पहले पार्किंग में गाड़ी। यहाँ से है 500 या 700 किलोमीटर यहाँ से टैक्सी जाती है, टैक्सी से जाएंगे ऊपर, देखते कैसा रहेगा। मैं तो पहली बार ही आया हूँ, कोमल भी पहली बार ही लगा लो क्योंकि बहुत पहले आई थी यहाँ पे। तो चलो देखते हैं ऊपर क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं, जैसे भी होगा लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हरे माता जय सीताराम। पहुंच गए जी हम बाबा बालकनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रसाद हमने ले लिया है बाबा का, जिस जैसे जैसे पता है जो भी होता है बाबा का कपड़ा जो चोला बाबा का होता है पता था, और जो बाबा के जामुन को ये सब होते हैं जैसे जैसे मुझे पता था, और बाबा जी की मर्जी जो उन्होंने चाहेगा। जय माता जी, हरे हमारे, जय बाबा जी। चलो चलो तो फाइनली बाबा बालकनाथ जी के भी दर्शन हो चुके हैं, और मैं तो फर्स्ट टाइम आया था बट बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अभी फिलहाल काम चल रहा था बता रही कोमल की, अंदर से पार्क गुफा के पास से दर्शन होते हैं, सिर्फ जेंट्स ही करते हैं वहाँ से, पर गुफा के पास अच्छा तो काम चल रहा था तो इसलिए हमारे वहाँ दर्शन नहीं हो पाए। तो चलो वैसे भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाले, तसल्ली पूर्वक मन को शांति मिली। तो अब निकल रहे हम लोग एक और जगह, यहाँ पे है कोमल का नान के, वहाँ जाके आज हम स्टे करेंगे, फिर कल हम लोग नैना देवी दर्शन करके सीधा रवाना हो जाएंगे दिल्ली को। और यहाँ पर अंधेरा है तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखा सकता, तो बाय बाय, मिलते हैं आपको सीधा नान के। हर हर महादेव, जय सीताराम। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके थे, और अभी खाना वाना खाकर थोड़ा बाहर टहलने आए थे। सर्दियाँ ठीक है, अच्छी है खासी लग रही है, तो चलो खाना खा लिया। अब सुबह आप लोगों से मिलते हैं, सुबह दिखाएंगे पुराना घर, जो पहाड़ियों का पुराना घर होता है पहाड़ी टाइप में, वो पहाड़ियों का पुराने जो घर होते हैं जिस तरह से होते हैं, वो लेंटर लकड़ी वाले लेंटर टाइप होते हैं। और चलो मिलते हैं आप लोगों को सुबह। हर हर महादेव, जय सीताराम। अभी के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। We'll be right back.